नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज मुंब्रा में पहली बार आम आदमी पार्टी की तरफ से 24 घंटे के लिए एक सांकेतिक भूख हड़ताल किया गया है, वो भी मुंब्रा वासी के जो सबसे बड़ी समस्या बताई जा रही है बिजली, जिसका निजीकरण होने वाला है। उस समस्या को लेकर जो है आम आदमी पार्टी के जो कलवा मुंब्रा के अध्यक्ष हैं रौनक खान, वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, आप बताइए कि जो बिजली निजीकरण को लेकर आप 24 घंटे के लिए जो है सांकेतिक अनशन पर बैठे हुए हैं, तो और भी मुद्दे हैं यहाँ मुंब्रा में, आप बिजली को मुद्दा लेकर ही क्यों आज जो है आंदोलन पर बैठे हुए हैं? देखिए, आप लोग जानते हैं, सब यहाँ के पुराने रहवासी हैं, और बिजली हर लोगों से रिलेटेड है। गरीब हो, अमीर हो, किसान हो, मजदूर हो, हर लोगों की ये बेसिक नीड्स है। तो आज बिजली को भी प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है कि यहाँ के लोकल नेता इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर चीज़ को आप मसलन ले लीजिए, कचरा भी प्राइवेट हो गया, अस्पताल की भी बात हो रही है कि प्राइवेट करने के लिए, बिजली भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ 99% जा चुका है। तो मुंब्रा को अगर हम मुंब्रा वासी टैक्स महानगर पालिका को देते हैं, तो सारा चीज़ अगर प्राइवेटाइजेशन में हो रहा है तो मुंब्रा वालों को मिलता क्या है? उसके बाद 2007 में 26 या 27 जनवरी को भिवंडी में टोरेंट कंपनी को लाया गया। आपको मालूम होगा कि 2004 से 2014 तक 10 साल तक कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार थी, उसको भी प्राइवेट में दे दिया गया। अगर आप कह रहे हैं यहाँ के जो लोकल नेता हैं वो बिजली को जो है प्राइवेट कर रहे हैं, तो आप ये किस पर आरोप लगा रहे हैं? कौन है जो वो बिजली को प्राइवेट कर रहा है? भाई, यहाँ के लोकल आमदार और खासदार है, और कौन हो सकता है? जब 2007 में टोरेंट भिवंडी में ला के दे दिया गया, आज मुंब्रा को दिया जा रहा है। जब तक आमदार और खासदार की रजा नहीं होगी, तब तक कौन यहाँ पे आ कर सकता है? आप कह रहे हैं आमदार खासदार की रजा नहीं होगी, लेकिन जितेंद्र आभाट तो जो है बिजली प्राइवेट होने के खिलाफ जो है लेटर दिए हुए हैं कि बिजली प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, तो आप फिर किस आधार पर कह रहे हैं ये? आपने कहा लेटर दिए, लेटर सिर्फ दिखावा है, धोखा है, जनता को दिखाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए। और हम लोगों ने 23 अक्टूबर 2018 को ऊर्जा मंत्री बावन कुले जी को मिला और वहाँ पे भी पत्र दिया कि इसको 7 से 8 घंटे लोड शेडिंग थी, तो यहाँ पे लोड शेडिंग की समस्या दूर हो गई। लेकिन प्राइवेटाइजेशन को इन लोगों को देना था 2007 में, जब कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार थी, तभी तो इन लोगों ने रोका नहीं, वहाँ पे भी टोरेंट कंपनी को लाके बिठा दिया। जनता को इन्होंने कुछ देना नहीं है, सिर्फ अपना माल कमाना है। करोड़ों में डील हुई है तब जाके ये फैसला हुआ है। अगर आप कह रहे करोड़ों में डील हुई है, किसके साथ डील हुई है? करोड़ों की डील जो आप बता रहे हैं, ये किसके साथ डील हुई है? किसने किसके साथ डील किया? ये टोरेंट कंपनी को प्राइवेट ला के दिया गया है, टेंडर भरवाया गया है, जबकि इसके पहले भी टेंडर खत्म हो गया था। आप डील की बात कर रहे हैं, तो किसके साथ डील हुआ था, वो डील बताइए ना। अब डील इन द सेंस आप समझिए कि यहाँ पे जो आमदार है और जो सरकार बैठी है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, इनकी डील हो गई होगी। क्योंकि जब टोरेंट कंपनी वहाँ पे भी भिवंडी को भी नहीं संभाल पा रही है, वहाँ के लोगों की परेशानियों को सॉल्व नहीं कर सकती है, तो फिर मुंब्रा को क्यों दिया जाए? एमएसए डीजल को चलाने की दिया जाए कंटिन्यू, और यहाँ पे हमारी मांग नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जितेंद्र आवाड और जो है सरकार से जो है इसकी डील हो गई, कंपनी से डील हुई है, टोरेंट कंपनी और जितेंद्र आवाड से डील हुई, उसके बाद जो है टोरेंट को दिया जा रहा है क्या? बिल्कुल सही है, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर वो नहीं होना देना चाहते हैं तो रोड पे आके। सर, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप बोल रहे हैं, आरोप आपने लगाया। तो आरोप ये सही है, क्योंकि हर चीज़ अभी बीच में इन्होंने कहा कचरा प्राइवेट को दे दिया, ये तो आरोप नहीं है ना। कचरा प्राइवेट को दे दिया, ये आरोप है, ये रियलिटी है। आपको मालूम है हॉस्पिटल, उन्होंने बोला ऑन रिकॉर्ड कि मैं अस्पताल को भी, अभी अस्पताल बना नहीं है। वो गांव, एक कहावत है हमारे यहाँ शहर में कि गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले हाजिर हो गए। तो अस्पताल तो बना नहीं, और प्राइवेट की तरफ पहले इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि हम प्राइवेट को दे देंगे। लेकिन अभी बिजली जो निजीकरण की बात है, ये निजीकरण का टेंडर जो है बंद हो चुका है, अब कुछ ही महीने बाकी हैं जो बिजली प्राइवेट होने को है, तो ऐसे में आप लोग अब क्यों अनशन कर रहे हैं? पहले क्यों नहीं इसके खिलाफ जो है सड़कों पर आप लोग उतरे? जब ये बात चल रही थी कि बिजली प्राइवेट होने वाली है, तब इसके खिलाफ आप लोग शहर में क्यों नहीं उतरे? नहीं, आप मैंने बताया कि 2 महीने पहले हम लोग खुद रशीद कंपाउंड में भी हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया, लोगों से मिले, सिग्नेचर मुहिम जोड़ा, और एम गेट पे मुंब्रा स्टेशन पे भी एक प्रोग्राम रखा हमने 20 अक्टूबर को, वहाँ पे लोगों के सिग्नेचर लिए और हज़ारों की संख्या में लोगों ने सही किया। हमने वो ले जाके लेटर और वो सही ऊर्जा मंत्री बावन कुले को दिया हुआ है, वो हमारे पास आज भी रिसीव्ड है। मंत्रालय गए और हमारे जाने के बाद लोकल पार्टियाँ यहाँ के आमदार खासदार कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, जब तक वो सोए रहते हैं। और बावन कुले जो चले गए यात्रा पे, तो उनको जाके ऑफिशियली एक लेटर जाके रिसीव कराया जाता है, सिर्फ दिखावा के लिए, पब्लिक को धोखा देने के लिए। कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो मतलब ये क्या क्या कितना यूनिट होना चाहिए? इसे आपने लिखा यहाँ कि 100 यूनिट बिजली जो है मुफ्त होनी चाहिए,
और 100 से 200 यूनिट तक 3 रुपये यूनिट जो होनी चाहिए। देखिए क्या है कि आम आदमी पार्टी मुमकिन हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आप देखिए पिछले 3 साल हो गए आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सरकार बना के, 5 साल पुरानी पार्टी है, 3 साल से सरकार चला रही है। 8 रुपये 0 to 200 यूनिट चल रहा था वहाँ पे, आज वहाँ पे 0 to 200 मार्च तक 4 रुपये पर यूनिट था, और अप्रैल में उन्होंने फिर 1 रुपया कम करके 2018 में 3 रुपया 0 to 200 कर दिया है। ये मैं आपको ऑडिट बता रहा हूँ वहाँ का। तो जब दिल्ली में 3 साढ़े 3 साल की सरकार आगे कर सकती है तो यहाँ की सरकार क्यों नहीं कर सकती है? बिजली के अलावा यहाँ मुंबरा में और भी कई मुद्दे हैं, पानी है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं भी मुंबरा में फील्ड में नज़र नहीं आती है। आज ये पहला मरतबा है जो आप लोगों ने 24 घंटे के लिए सांकेतिक अनशन किया है। देखिए शायद आपको चुनाव आने वाला है, कहीं इसके नज़र से तो नहीं आप यहाँ आए हैं? मैं आपका इस सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि आपने जो सवाल कहा है बिल्कुल ही गलत और निराधार है। 2014 में जब यहाँ तोड़ू कार्रवाई हुई, 2014 में जो फर्स्ट टाइम संजीव जायसवाल के नेतृत्व में तोड़ू कार्रवाई हुई, तो पहला लेटर आम आदमी पार्टी का गया था, वो आज भी पुरावा मेरे पास है। सर लेटर देना अलग बात होता, लेटर देना अलग बात होता है, सड़कों पर उतरना, जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, वो बात अलग होती है। आपने लेटर दिया नहीं दिया ये किसी ने देखा नहीं देखा, आप जब कंधा मिलाकर सड़कों पर चलेंगे वो चीज़ जनता देखना चाहती है। आप किस जनता को किसके साथ में लेकर चले वो चीज़ मुझे बताइए। हम लोगों ने लेटर देने के बाद भी संजीव जायसवाल जी से मिला है, वो हमारे पास रिकॉर्ड है, पहली बात। दूसरी बात, हम जनता के हर एक इशू को उठाते हैं, पानी से जुड़ी हुई समस्या हो, बिजली से जुड़ी हुई समस्या हो, अस्पताल हो, शिक्षा हो, जो भी ऐसी समस्या जो बेसिक नीड्स है हमारे मुंबरा की। मैं 20 साल से मुंबरा में रहता हूँ, मुझे मालूम है मुंबरा की। मैं बिल्कुल मानता हूँ आप उठाते होंगे, लेकिन आप ये मुद्दा उठाते हैं, ले जाकर वहाँ लेटर देते हैं, ये चीज़ चर्चा में नहीं आता है। चर्चा में वो चीज़ आता है जो आप सड़कों पर उतरते हैं। तो आप सड़कों पर क्यों नहीं उतरे इतने दिन से? आप भी राजनीतिक पार्टी से हो, आपका दायित्व नहीं बनता है कि आप जो है जनता के साथ सड़कों पर उतरे, उनकी जो है प्रॉब्लम जो है सॉल्व कराएं, या सिर्फ लेटर देकर घर पर बैठ जाना ही अपना आप कर्तव्य समझते हैं? देखिए हमने जनता और मुंबरा वासियों, कलवा वासी और दिरवा सारे लोगों के इशू को हमने उठाया है, हमने छोड़ा किसी के इशू को नहीं है। अब जनता को तय करना है कि उनको किसके साथ में चलना है, पहली बात। हमें साथ में आप चलेंगे तो जनता आपके साथ, जनता जागरूक होनी चाहिए, जनता साथ में। जब तक देखिए जनता को हमें जागरूक करना है, हम और आप मिलकर जब तक एक लड़ाई को रोड पे नहीं लाएंगे, जनता का सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई भी लड़ाई पूरी नहीं होती है। आप अकेले एक लड़ाई, यही बात मैं कहना चाहता हूँ सर। आप आज सड़कों पर उतरे, इसी तरह से आपको सड़कों पर उतरना चाहिए था हर मुद्दे को लेकर, लेकिन जो स्थिति उस वक्त थी आज वो हालात नहीं है। आज बिजली को दे दिया गया, हर चीज़ को प्राइवेट की तरफ धीरे धीरे लाया जा रहा है, ये आखिरी एंड हो रहा है कि आप हर चीज़ को प्राइवेट में दे देंगे तो कब तक खामोश रहेगी यहाँ की जनता? जनता के कानों तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि यहाँ के लोकल जो लीडर हैं वो जनता को धोखा दे रहे हैं और सारी चीज़ों को बेच रहे हैं, और जनता आने वाले वक्त में इनको जवाब देगी। तो ये थे आम आदमी पार्टी के नेता, जिनका साफ कहना है कि बिजली जो प्राइवेट की जा रही है उसको जल्द से जल्द रोक देना चाहिए और बिजली प्राइवेट नहीं होनी चाहिए। इनका साफ मांग है कि जो 100 यूनिट तक की बिजली दी जाती है वो फ्री में दी जाए, उसके बाद 200 यूनिट तक की अगर है तो उसका चार्ज जो है 3 रुपये होनी चाहिए, ऐसा इन लोगों की मांग है। वैसी आम आदमी पार्टी की जो ये पहली ऐसी जो है सांकेतिक आंदोलन है कि जो मुंबरा की सरजमीन पर सबके सामने हो रही है। कहीं ना कहीं इस मुद्दे को जो है आप चुनाव से भी जोड़कर देख सकते हैं कि चुनाव आने वाला है, लेकिन इनका साफ कहना है कि अब मुंबरा की जनता के साथ जो है ये कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और मुंबरा की जनता के हर समस्याओं का जो है समाधान करने के लिए यहाँ पर जो है आंदोलन कर रहे हैं। खास तौर पर जो बिजली की समस्या है उसके लिए इनका कहना है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो ये जो आंदोलन किया गया था, भूख हड़ताल जो ये उन्होंने किया था, ये सांकेतिक भूख हड़ताल सिर्फ 24 घंटे के लिए किया गया था, लेकिन अगर मांग इनकी पूरी नहीं होती है तो ये जो है इसको बेमुद्दत जो है भूख हड़ताल पर ये बैठेंगे। मुंबरा के आम आदमी पार्टी कलवा मुंबरा के जो अध्यक्ष रौनक खान है, उन्होंने यहाँ के आमदार जितेंद्र आवाड पर साफ आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जो टोरेंट और जितेंद्र आवाड के बीच में बड़ी डील हुई है, इसके बाद ही बिजली प्राइवेट को जो है दिया गया है, और जितेंद्र आवाड ने भी जो है लेटर दिया था इसके बारे में। इनका कहना है कि वो जो है लेटर सिर्फ दिखावे के लिए दिया गया है। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंबरा।